हाँ तो क्या हाल है दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं केरला, केरला के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो अभी मैं खड़ा हूँ बेंगलोर के मैजिस्ट्रिक टर्मिनल बस स्टैंड पे, मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा टर्मिनल है। तो यहाँ से स्टेशन है KSR बेंगलोर, यहाँ से बस 2-5 मिनट की दूरी पे, ये पीछे बाजू में मेरे बैक साइड में स्टेशन है और ये मेरे पूरा बैक साइड में पूरा टर्मिनल है, ठीक है। और यहाँ बस स्टैंड तक पहुँचने के लिए मुझे अपने घर से 2 बसेस चेंज करनी पड़ी है। मेरे घर से यहाँ बस स्टैंड का डिस्टेंस अराउंड 15 किलोमीटर के आसपास था, ठीक है। टोटल अमाउंट मुझे यहाँ तक बस का किराया लगा 40 रुपये, और अगर मैं वहाँ से कैब या फिर ओला वगैरह कुछ बुक करके आता तो उसका अमाउंट कम से कम मिनिमम 400 रुपये दिखा रहा। तो मैं ये मान लो 400 के 10%, 40 रुपये में यहाँ पे आराम से पौना आधे एक घंटे में आराम से पहुँच गया यहाँ पे मैं। अब यहाँ से मैं जाऊँगा रेलवे स्टेशन और वहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ के मुझे जाना है केरला। और लेकिन एक चीज़ और बता दूँ यार, मेरी कोई टिकट बुक नहीं हो रखी, मैं लूँगा जनरल की टिकट और ऐसे ही धक्के खाते हुए जाऊँगा, क्योंकि यार टिकट नहीं हो पाई थी बुक। अब जनरल की टिकट लेके जाएंगे यहाँ से, देखते हैं कैसे जाएंगे, बाकी की आपको दिखाएंगे आगे क्या हिसाब है। अब चलते हैं यहाँ से स्टेशन की ओर और देखते हैं वहाँ पे, स्टेशन पे चलते हैं हम सीधा आइए। और यार ये देखो, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए अंडरग्राउंड टर्मिनल बनी हुई है, और उस टर्मिनल के अंदर पूरा यार मार्केट लगा हुआ है, देख रहे हो यार मार्केट पूरा। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड की ओर और देख रहा पूरा मार्केट लगा हुआ, सही है यार, बढ़िया बना बना मार्केट, ऐसा होना भी चाहिए। चलो चलते हैं बस स्टैंड से स्टेशन की ओर, अब सीधा स्टेशन पर मिलेंगे। हाँ तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बेंगलोर के KSR रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने। इसका फुल फॉर्म कुछ ये क्रांतिवीरा संगोली रायना बेंगलुरु कुछ ये है, शॉर्ट में इसको KSR रेलवे स्टेशन बोलते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें ना, इसके पीछे साइड में ट्रेन्स का वो भी बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा मॉडल टाइप का कुछ बना हुआ है देखो वहाँ पर, ठीक है, इस साइड भी बना हुआ है। तो ये है स्टेशन, अब यहाँ से मैं जाऊँगा अंदर और टिकट लूँगा और सीधा ट्रेन का वेट करेंगे हम अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर, चलते हैं सीधा अंदर, आ जाओ। और ये बैग मैंने आगे टांगा हुआ है सेफ्टी के लिए, भाई सोलो ट्रैवल जो बंदा करता है ना यार, ऐसे करना पड़ता है भाई, कोई है नहीं, अकेला अकेले ही घूमते हैं यार, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, आदत है हमें तो अकेले रह लेंगे। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ। हाँ तो दोस्तों, टिकट ले ली मैंने अपनी और मैं स्टेशन के अंदर आके अपने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे बैठ चुका हूँ, मेरी ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। और इस टाइम मेरे पीछे जो ट्रेन लगी है ना, या कोई लोकल ट्रेन लगी हुई है, तो अभी बज रहे हैं करीब 3 और मेरी ट्रेन आई करीब 7:30, तो मैं 1.5 घंटा पहले आके यहाँ बैठ जाऊँ, तो कोई बात नहीं, आराम से बैठेंगे, टाइम पास करेंगे। बाकी देखो स्टेशन तो वैसे पूरा खाली है। एक चीज़ और बता दूँ आप, मुझे जाना था तिरुवनंतपुरम, ठीक है, और लेकिन मैं जा रहा हूँ कोच्चि में। अब मुझे जाना था वैसे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ही है, तो लेकिन पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से 7 किलोमीटर पहले, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का जो मेन रेलवे स्टेशन है वो तिरुवनंतपुरम होता है, वहाँ से कुछ 2-5 मिनट के पहले दूरी पर ये स्टेशन। लेकिन तिरुवनंतपुरम में ना जाके उससे पहले स्टेशन पड़ता है कोच्चि वैली, जो कि वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी है दोनों स्टेशन की, तिरुवनंतपुरम से कोच्चि वैली। अब मैं वहाँ किस लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ ये ट्रेन जल्दी आ रही है और ये ट्रेन मुझे कोच्चि वैली करीब 2.5-3 घंटे पहले पहुँचाएगी, तिरुवनंतपुरम वाली ट्रेन लेट है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मान लो ट्रेन मुझे 2.5 घंटे पहले भी वहाँ पहुँचाती है और 7 किलोमीटर तो मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा तिरुवनंतपुरम, तो मोटा मोटी मुझे 2 घंटे आराम से वहाँ पर सेव करें हो जाएंगे। तो अपने 2 घंटे में कहीं और इन्वेस्ट करूँगा यार, आराम से उठूँगा, रूम वगैरह लूँगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है यार। तो मैंने यही डिसाइड किया मैं कोच्चि वैली से तिरुवनंतपुरम चला जाऊँगा अपना ऑटो वगैरह कुछ भी लेके। तो बस अब वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का आने का, चलते आगे। हाँ तो दोस्तों, पता नहीं कैसे अभी 4:00 बजे और हमारी ट्रेन आ चुकी है पीछे, और किस्मत से भाई मुझे पूरी पूरी सीट भी मिल गई है, अब आराम से मैं सोते हुए जाऊँगा।
यार, पता नहीं चल रहा यार, ट्रेन पे जल्दी गए गए, उसकी टाइमिंग करीब अभी आधे एक घंटे बाद, देखते क्या हिसाब है। ट्रेन तो यही है कोची वाला से मसूर जंक्शन, बाकी सारे सीट पर बैठूंगा मैं, सीट तो मिली नहीं है, चलते फाइनली सीट मिल गई है, यहाँ से मैं मस्त सोता हुआ जाऊँगा और नीचे मेरे कुछ माहौल ऐसा है दिखा देंगे। अरे जनरल में यही हाल होता है। लोग एक घर से दूसरे घर पर ट्रैवल करने के लिए बोट का यूज़ करते हैं। अब जो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ एकदम बेस्ट लेवल होने वाला है, क्योंकि अब जो हमारी ट्रेन है ना वो सीधा ओशन की साइड टू साइड चलेगी कुछ देर तक, अरेबियन सीज के एकदम साइड से, वो व्यू एकदम बेस्ट लेवल होने वाला है। आ जाओ दिखाता हूँ, बस हम पहुँचने वाले हैं, बस आओ आपको वहाँ दिखा दूँ कैसे ओशन की साइड पर हमारी ट्रेन चलेगी। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो मेरे पीछे आप देखोगे पूरा ओशन है, आपको शायद कैमरे में देखे ना देखे, लेकिन मुझे साफ यहाँ से किसी बात पूरा ओशन आओ दिखा। हाँ तो दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं कोच्चिवली रेलवे स्टेशन, यहाँ पर सारी ट्रेन हो चुकी है अपनी खाली, क्योंकि लास्ट स्टेशन है ये। हाँ यार अब यहाँ से हम लेंगे ऑटो या बस और जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, चलो देखते हैं कहाँ से मिलेगी यार बस वगैरह। और ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन, आप यहाँ से भी डायरेक्ट ट्रेन यहाँ के अपने अपने शहर से देख सकते हो, ठीक है, अपने कहीं कहीं से भी यहाँ की डायरेक्ट ट्रेन ले लो आप। और मैं तो बस से आया हूँ, बाकी देख लेना। हाँ तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के जस्ट मेरे ये बस स्टैंड के पीछे ही है वो, यहाँ से मात्र 2 मिनट का रास्ता होगा वो, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से यहाँ पे आते हैं तो वहाँ से आपको स्टेशन से यहाँ तक आने में आपको 5 से 10 मिनट का मान लो पैदल रास्ता है वहाँ से, और क्योंकि मैं कोची वैली से बस पकड़ के कोची वैली से स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे वहाँ से गवर्नमेंट बस मिल गई थी, जो कि सीधा मुझे यहाँ छोड़ी, जो कि थोड़ा पास पड़ेगा मुझे यहाँ से, तो देख लो आप अपने अनुसार। और त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन आप ट्रेन से तो आ ही सकते हैं अपने कोई भी, आप अपने देख लेना स्टेट से आप अपने कोई भी शहर से आपकी कौन सी ट्रेन आती है यहाँ पर। और उसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा पैसे और कम टाइम है तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं यहाँ पे, तो अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लेना। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा मंदिर की साइड और चलते वहीं दिखाते हैं आपको क्या हिसाब है। ये पूरा बस स्टैंड है यहाँ पे बड़ा सा। हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड के जस्ट साइड में ही वो मेन गेट है अंदर आने का, और जैसे ही आप वहाँ से अंदर आएंगे वहाँ से मेन गेट से, और यहाँ आपको जस्ट मेरे पीछे दिखेगा पद्मनाथम स्वामी मंदिर, ठीक है, जस्ट सामने आके तुम पास। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये प्रतिमाएं यहाँ पे ना, टोटल 5 प्रतिमाएं जो कि 5 पांडव की है, वो जो सबसे आगे वाले हैं वो है युधिष्ठिर, ठीक है, और बाकी ये सब और भी है। जब मैं आया था ना यहाँ पे तो यहाँ पे एक और प्रतिमा थी जो कि अब पता नहीं क्यों हटा दी हो, बाकी 2 प्रतिमा और गायब है, कुछ काम चल रहा होगा पता नहीं, लेकिन ये 5 पांडव के यहाँ पे प्रतिमा लगती है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे
हिस्ट्री की प्रतिमा उसके जस्ट साइड में ही आपको क्लॉक रूम और बाथरूम मिल जाएगा। बाथरूम आप 300 रुपये दे के यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप नहा के चेंज कर लीजिए अपने कपड़े, ठीक है। और साइड में उसका क्लॉक रूम है, क्लॉक रूम के भी मतलब 300 रुपये आपके बैग के लेंगे, 10 रुपये आपके जूते के लेंगे, 40 रुपये वो लेंगे और अंदर जाके आप एंट्री कर सकते हैं। और अंदर एंट्री की जो टिकट है वो भी आपको अंदर जाते ही मिल जाएगी, जैसे आप अंदर एंटर करेंगे मंदिर के वहाँ मिल जाएगी। तो एक चीज़ आपको और बता दूँ यहाँ पे, कुछ दिन पहले मैं गया था तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश, वहाँ पे क्या कहते हैं लुंगी कंपलसरी थी और ऊपर आप शर्ट या टी शर्ट कुछ भी पहन के जा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि लुंगी तो कंपलसरी है ही है, औरतों को साड़ी और बॉयज़ को लुंगी, पर आप लुंगी के ऊपर भी कुछ नहीं पहन सकते, मतलब कि आपको कुछ इस तरह से निवस्त्र होके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप गमछा डाल सकते हैं ऊपर से भी, लेकिन नीचे लुंगी कंपलसरी और ऊपर कुछ नहीं पहन सकते, गमछा डाल सकते हैं बस। और जो कि औरतें साड़ी नहीं पहन के आई है उनको भी लुंगी लपेटना, जो कि साड़ी नहीं पहनी हो तो उनको लुंगी लपेटना जरूरी है, ठीक है। तो बस यही है कुछ मेन इंफॉर्मेशन यहाँ की। और दोपहर में ये मंदिर 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है, तो उसी हिसाब से आप आइएगा कि सुबह दर्शन हो जाए शाम को। मैंने दर्शन कर लिए और दर्शन करके मैंने अपने सामान वगैरह जमा करा दिया, दर्शन करके मैं आ गया हूँ बाहर। अब ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे जाऊँगा। बस फिलहाल तो इतना ही था, बाकी दर्शन मेरे सब बढ़िया से हो गए, अब चलता हूँ मैं आगे यहाँ से। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये चीज़ मेन, अगर आपको जीएल में आर्किटेक्चर संस्कृति मतलब भाई जो रियल ट्रेडिशन है ना वो साउथ और नॉर्थ इंडिया में ही है, अगर आपको रियलिटी में देखना है नॉर्थ और साउथ इंडिया का ट्रेडिशन तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए। कहना यार अपने यहाँ तो सब यूं ही चलता है, असली मज़ा तो यहाँ पे है, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे ना यार बहुत धूप हो रही है सच्ची में। और हाँ, मंदिर के अंदर ही प्रसादालय था, भोजनालय, जब मैं लास्ट टाइम तिरुपति गया था तो वहाँ पे मैं टाइम की कमी की वजह से प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाया था, तो मैंने अंदर ही प्रसाद ग्रहण किया है। और वो देखो वहाँ पे मंदिर की टाइमिंग चल रही है, सुबह 8:30 से 10:30, फिर 11:15 से 11:15 तक, फिर 11:15 से लेके 12 बजे तक, फिर 12 बजे से लेके मतलब बीच बीच में गैप है, 12 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये मंदिर बंद है, ठीक है। तो बस यही है भाई, मतलब 12 से 4 के बीच में तो बिल्कुल मत आना, बाकी आधे आधे घंटे के 15-15 मिनट के बीच में गैपिंग है, वो सब आप कर लोगे, बस 12 से 4 के बीच में मत आना, मंदिर बंद होता। तो ये वाला ब्लॉग दोस्तों यहीं तक का था, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत धूप है आप पसीना पसीना देख रहे हो, कितनी मेहनत लगती है, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और लाइक कर देना प्लीज़, ठीक है।